राजस्थान से कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की यात्रा। और अब मैं यहाँ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से थोड़ा सा 20 किलोमीटर आगे हूँ और अब मैं निकलूँगा केदारनाथ के लिए। और यहाँ पे हमारे पास अभी टाइम है 52 से 53 दिन का, और बीच में राजस्थान भी पड़ेगा, सोचा राजस्थान भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अपनी साइकिल रेडी है और रात्रि विश्राम हमारा यहीं पे हुआ था, चारपाई लग रही थी, बाबा यहाँ पे सो रहे हैं और ये टेंट लग रहा है सामने। विवेक भाई की साइकिल भी तैयार है, टोनी मामा भाई हमें छोड़ के चला गया, वो आगे गए हमसे। और अब हम भी निकल रहे हैं यहाँ से जामनगर वाले हाईवे पे। तो अपने दिन की शुरुआत करते हैं हर महादेव बोल के, बस आप हमें ऐसे ही चार सपोर्ट करते रहे, हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों हम निकल चुके हैं जामनगर के लिए, और जामनगर यहाँ से 105-110 किलोमीटर के बीच में है, और अभी नेशनल हाईवे आने वाला है, देखते हैं 15 से 20 किलोमीटर के बाद। उसके बाद हम द्वारिका जामनगर नेशनल हाईवे उस पर चल जाएंगे। वैसे हाईवे ये भी अच्छा है, पर यार इस पर थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, इस वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए नेशनल हाईवे तक जब भी आएगा आपको दिखाएंगे नेशनल हाईवे, तब तक जुड़े रहें आप हमारे साथ, हर हर महादेव। फाइनली दोस्तों हम द्वारिका टू राजकोट वाले हाईवे पे आ गए हैं। जामनगर यहाँ से 90 किलोमीटर है और राजकोट 181 किलोमीटर है, और अब हमें फिर इस हवा का सामना करना पड़ेगा। ये हवा हमारा पीछा नहीं छोड़ रही भाई, हालत ख़राब हो गई है इस हवा के चक्कर में। जिधर साइकिल लेके चलते हैं उसके अपोजिट में चलती है। ओम बोले, चलो कोई नहीं, जैसा महादेव जी चाहेंगे वैसा ही होगा, ताकत मिलेगी आप लोगों का प्यार सपोर्ट है। चलो मिलते हैं ब्रेकफास्ट वाली जगह पे, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया रहा सुबह से 10 बजे, कोई जगह मिलेगी तो करेंगे, हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे अभी द्वारिका धीश के लिए पैदल यात्रा स्टार्ट होने वाली है, जो कि होली के लिए स्टार्ट होगी, तो वही तैयारियाँ चल रही है यहाँ पे। तो हमने तो यहाँ पे शुरुआत करी है गन्ने का जूस पी के, और अब बता रहे हैं कि अहमदाबाद तक के लोग इधर से और द्वारिका धीश तक पैदल जाएंगे। होली तक का ये फंक्शन रहेगा इधर, जैसे अपने राजस्थान में खाटू श्याम जी पैदल जाते हैं, तो ऐसे ही इधर भी द्वारिका धीश। तो देखो गन्ने का स्टॉक बहुत ज़्यादा हो गया, 4-5 मशीनें लग गई हैं और बहुत बड़े बड़े पंडाल स्टार्ट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 से 7 लाख लोग निकलेंगे इधर से इस 8 या 9 दिन की यात्रा में। और पानी के कैंपर भी रखे हुए हैं बिल्कुल, हमने तो पानी की अपनी बोतल भर ली है, ठंडा पानी, व्यवस्था बहुत ही अच्छी, मतलब ये गुजरात के लोगों का भक्ति भाव में भाई बहुत ही ज़्यादा है, सेवा करना इनको आता है, सेवा करना सीखे तो गुजरात के लोगों से सीखे कि सेवा की कैसे जाती है ना। तो भाई बहुत अच्छा लगा गुजरात के लोगों से भी, और गुजरात के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, औकात से ज़्यादा प्यार मिला है गुजरात में। क्या कहना चाह रहे हो, हमारी औकात नहीं इतना प्यार लेने की, और उससे भी ज़्यादा हमें प्यार मिला है। तो चलो अपनी साइकिल रेडी है और फिर चलते हैं अभी आगे की तरफ, तब तक के लिए हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों दोपहर का 12:30 बज चुके हैं और चलते चलते एक आश्रम मिला है बहुत ही अच्छा, और यहाँ पे ही हमारा नाना धोना होगा, इधर वॉशरूम है और इधर देखो रूम मिला है, गद्दा मिला है, थोड़ा सा सो जाएंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे, थकान दूर हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ से भोजन ग्रहण करके शाम को निकल जाएंगे। कैसा लगा आपको यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा लगा भाई, और देखते हैं भोजन में क्या मिलेगा वो जब बताएंगे। विवेक भाई ने तो भाई अपना अपना तो लगा लिया अकेला अकेले का, पर हमारा नहीं लगाया, मतलब ही दुनिया है, मतलब ही ज़माना है, सब अपना अपना देखते हैं भाई, कोई किसी का नहीं देखता, बस आप ही मेरे हो, आप मुझे बस ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहें और मोटिवेट करते रहें, हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम यहाँ पे आराम करके नहा धो के अच्छे से निकल रहे हैं अब जामनगर की तरफ। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए जो गाड़ी जो जा रही है उस गाड़ी ने हमें खाना खिलाया था, और ये आश्रम बहुत बड़ा है, यहाँ पे लोग आते हैं, खाना बनाते हैं, अपना खाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, है ना। और जो ये गाड़ी देख रहे हो, इन गाड़ी वालों भैया ने आज का हमें दोपहर का खाना खिलाया था, ठीक है भैया, जय द्वारका दीश, इन लोगों ने हमें खाना खिलाया था दोपहर का आज। और अभी बस आ चुकी है, पर हमें तो भाई चलना है यहाँ से, क्योंकि हमारी मंजिल बहुत दूर है, हम एक जगह पे इतने रुक नहीं सकते भाई। तो बस आप लोग हमें यार एक फॉलो ज़रूर करें, आपका एक ही फॉलो हमें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत ताकत देता है, और ऐसे ही प्यार करते रहें, हर हर महादेव।
पानी ले लो। तो फाइनली दोस्तों शाम के नहीं रात के 7:30 बज चुके हैं और अब अपने यार रात्रि विश्राम की जगह देख रहे हैं, देखते हैं आज का दाना पानी कहाँ पे लिखा है। और ये बहुत लंबा रिको इंडस्ट्रीज एरिया है नायरा का, जैसे नायरा के पेट्रोल पंप वाले रुकने नहीं देते हैं, बहुत कम रुकने देते हैं। और अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं NH 151A पे, जो कि हमें ये राजस्थान तक लेके जाएगा, पर हमें अहमदाबाद वगैरह चलना नहीं है, साइड से निकलेंगे राजस्थान के लिए। और अभी कोई अन्य क्षेत्र मिल जाए या फिर कोई ढाबा रेस्टोरेंट मिल जाएगा तो भाई वहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे। और अभी वैसे राजस्थान चलने की बहुत जल्दी हो रही है क्योंकि राजस्थान एक्सप्लोर करना है मेरे को और आप लोगों को भी करवाऊंगा, और राजस्थान बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। बस आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें और हमें बस प्यार सपोर्ट करते रहें, आपका प्यार ही हमारी ताकत है और आपका एक एक फॉलो हमारे लिए बहुत मोटिवेट का काम करता है। हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों रात्रि विश्राम हुआ है इस पेट्रोल पंप पे, HP का पेट्रोल पंप है। और अभी इन भैया से हमने बात करी है, अब हम जा रहे हैं खाना खाने। इधर ही एक परिश्रम काठियावाड़ी होटल, तो चलते हैं देखते हैं क्या मिलेगा खाने में और जो भी मिलेगा आपको दिखाते हैं। और बहुत तेज़ भूख लग रही है और भाई यहाँ पे थाली है 120 रुपये की, तो गुजरात में भाई 120 रुपये की थाली मिलती है, भाई हमारे लिए 120 रुपये बहुत ज़्यादा है। अगर बनाने का सामान ले लेंगे तो 120 में 2 दिन का काम चल जाएगा आराम से। तो देख रहे हो सामने जो होटल है इसी में ही अपने को भोजन मिलेगा आज, और देखते हैं। और क्या आता है वो तो गुजराती थाली में वही 3 सब्जी आएंगी, रोटी आएगी, चावल जो भी आएगा आपको बता देंगे। तो ऑर्डर देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव जी। तो फाइनली दोस्तों अपने प्याज खुद काट के खानी पड़ती है गुजरात के होटलों पे, और ये रोटला इधर और 2-3 दिन है गुजरात में, इतना रोटला खा लेते हैं। राजस्थान में फिर दाल बाटी मिलेंगी हमें, यूपी। और भाई एक थाली, हमारी पूरी थाली तैयार हो चुकी है, 4 सब्जी मिलेंगी, हरी चटनी, लाल मिर्च का अचार, मीठा वैसी मिर्च, गुड़ मिलेगा आपको, छाछ मिलेगी, प्याज मिलेगी। तो गुजरात का खाना बहुत अच्छा है भाई, पर वैसे थोड़ा मीठा होता है इसलिए अपने को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, राजस्थानियों को थोड़ा स्पाइसी चाहिए, क्योंकि खाना अच्छा है। और 120 रुपये में थाली मिलती है, मज़ा आ जाता है खाना खाने में। तो गाइस खाना खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए हर हर महादेव। फाइनली दोस्तों यहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी है और यहाँ पे हमें ना कैंपिंग टेंट करेंगे। अभी विवेक भाई अपना कैंपिंग टेंट लगा रहे हैं, उसके बाद मैं भी अपना साइड में उधर आगे मैं लगा लूँगा, है ना। तो जैसे क्योंकि जगह एक बार पता लग जाए विवेक भाई के कैंपिंग में कितनी आएगी, उसके बाद अपना लगा लेंगे और रात को आराम से सो जाएंगे। और सुबह उठ के यहाँ से जामनगर के लिए निकलेंगे, और जामनगर यहाँ से 33 किलोमीटर दूर है, तो शायद 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। और आपको कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, बहुत ही अभी दिखेगा शायद थोड़ा सा ही, पर पूरा रिको इंडस्ट्रीज एरिया देखिए, लाइटिंग हो रही चारों तरफ। और ये नार कौन सी थी, ये नायरा वाली, ये नायरा पेट्रोल पम्प है ना, उसकी रिफाइनरी है बहुत ही बड़ी, और इधर पूरा सारा इंडस्ट्रीज एरिया है। तो कोई नहीं, हमारे तो कोई काम का नहीं है ये, बस हमने तो आपको वैसे ही दिखा दिया। और ये पता नहीं यार किस चीज़ का पेड़ है, बहुत बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं इसके, और आदमी का लग जाए तो भाई आदमी घायल हो जाए। तो कमेंट में बताना भाई, गुजरात के कोई भाई देख रहे हैं तो ये किस चीज़ का है, राजस्थान का तो हम बता देते। पर यार ये मेरी साइकिल है, बहुत प्यार करता हूँ अपनी साइकिल से सच्ची में, ये मेरे को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले के आई है। और एक ये ही है, इसने मेरे को पता नहीं क्या से क्या बनाया है, और इनके लिए हमेशा मैं इनके चरणों में रहना पसंद करूँगा, महादेव जी के चरणों में। तो गाइज लगाते अपना टेंट, तब तक के लिए रुके और कमेंट में लेके हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों साइकिल हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है, दोनों साइकिलें, और कैंपिंग टेंट आज एक ही लगाया है क्योंकि 2 कैंपिंग टेंट में टाइम भी ज़्यादा लगता है और फिर सुबह इकट्ठा करने में बहुत, क्योंकि 2% का है। तो ये देखिए विवेक भाई तो सो चुके हैं और एक आदमी की जगह और है, यहाँ पे हम सो जाएंगे, क्योंकि जब साथ चल रहे तो 2 टेंट क्यों लगाएं, आराम से सो सकते हैं, है ना। तो भाई आज के लिए हमारे ब्लॉग्स में इतना ही होगा, अगर आपको ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, एक
कमेंट मांगेंगे हर हर महादेव का और एक शेयर जरूर करें और आपके भाई को ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहें। अब हम आपको यहाँ से लेके जाएंगे केदारनाथ तक और केदारनाथ की पहली आरती दिखाने वाले हैं 10 मई को सुबह 7 बजे। तो बहुत ही एक अच्छा भव्य नज़ारा होने वाला है। तो चलिए आप भी हमारे साथ केदारनाथ तक। हर हर महादेव। वंदे मातरम। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद।